जांजगीर चांपा जिला के मुलमुड़ा थाना क्षेत्र से घर में घुसकर महिला पर टोनी होने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पकरिया गांव की रहने वाली एक महिला ने मुलमुड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां उसने बताया कि वह अपने घर में काम कर रही थी, तभी रघुनंदन वैष्णव और करण वैष्णव नामक व्यक्ति जादू टोना कर हमारे घर की ओर कुछ फेंके हुए करते हुए घर में घुस गए। महिला के साथ गाली गलौज किए, फिर बाल खींचते हुए धक्का मुक्की की, फिर मारपीट भी किया। जब पीड़ित महिला की बेटी बीच बजाव करने आई, तब करण वैष्णव युवती को दांत से काट दिया और उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 452, 294, 506, 324, 323, 34 भारतीय दंड विधान 4-5 टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 पंजीबद्ध कर आरोपी रघुनंदन वैष्णव उम्र 50 साल एवं उसके पुत्र करण वैष्णव उम्र 24 साल दोनों को ग्राम पकरिया से शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। इस बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दी गई है। इस कार्यवाही में निरीक्षक के सी मोहले, संतोष शर्मा, सरोज पाटले, बलवंत सिंह, आर राजा रात्रे का विशेष योगदान रहा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।